में ठंडी ठंडी रसमलाई को एंजॉय कीजिए और बहुत आसान तरीके से बन जाती है। इसके लिए मैंने एक कप खुश्क दूध लिया है, यानी सूखा दूध मुझे एक कप चाहिए। मैंने नीडो लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। एक कप मैंने चीनी ली है, 1 लीटर मिल्क लिया है, 2 टेबलस्पून मैदा, 1 अंडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 2 से 3 इलायची। सबसे पहले मैं पैन में 1 लीटर मिल्क डाल रही हूँ। अब इसमें मैं 2 से 3 अदद इलायची डालूँगी और 1 कप शुगर डाल के मैं इसको बॉईल कर लूँगी। बाउल में सबसे पहले मैंने 1 कप दूध लिया है। अब मैं इसमें 1 अंडा ऐड कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी और मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी एक डो बना लूँगी। ये देखें, ये अब जो है वो मैंने अच्छे तरीके से ये डो तैयार कर ली है। ये देखें, ये इस तरह से डो तैयार हो जाएगी और इसके मैं छोटे छोटे से बॉल्स बना लूँगी। ये देखिए, ये इस तरह से मैं इसके, आप डिफरेंट साइज़ के और डिफरेंट शेप के बॉल्स बना सकते हैं। डिफरेंट तरह की शेप्स दे के आप रसमलाइयाँ तैयार कर लें। ये देखें, ये मैं इस तरह से कुछ रसमलाइयाँ तैयार कर रही हूँ। ये देखें, हाँ, रसमलाइयाँ मैंने तैयार कर ली हैं। अब मैं इसको जो दूध बॉयल हो रहा था उसमें डाल दूँगी। ये जो दूध बॉयल हो रहा है इसमें मैं तमाम रसमलाइयाँ जो है वो डाल दूँगी। और इसके बाद मैं इसको ढककर 10 मिनट के लिए रख दूँगी। देखिए, मज़ेदार रसमलाई जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इस तरह से तमाम रसमलाइयाँ जो है वो डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए, कितनी ज़बरदस्त रसमलाई तैयार हुई है। ये देखिए, मज़ेदार रसमलाई बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी इसको ठंडा करके इंजॉय कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।